सीता एजुकेशन चैनल। जैसा कि मैंने पिछले क्रॉप में आपको प्याज की फसल बढ़ाया था, आज नेक्स्ट क्रॉप जो है लहसुन की फसल, जिसको हम गार्लिक कहते हैं, गार्लिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फसल लहसुन की खेती है। लहसुन की खेती गार्लिक क्रॉप, लहसुन की खेती। पिछली क्रॉप में मैंने आपको प्याज की फसल बढ़ाया था, अगली क्रॉप है गार्लिक क्रॉप, जिसको हम लहसुन की खेती कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, प्याज और लहसुन दोनों बल्क क्रॉप है। प्याज के बाद दूसरी फसल लहसुन की आती है, जिसको भी बल्क क्रॉप के अंदर ही रखा गया है। ये भी एक बल्क क्रॉप है। इसका वैज्ञानिक नाम एलियम फेटायम होता है। इसकी फैमिली लिनेसी लिनेसी होती है। इसकी दोनों फैमिली होती है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 16, इसमें 16 पुरुषों के पाए जाते हैं। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है, ओरिजिन प्लेस अर्थात प्राप्त स्थान एशिया माना जाता है, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया। इसका जो प्राप्त स्थान है वो एशिया माना जाता है। एलियम सेटाइवम लेरेसिया इलेशीज की फैमिली होती है। क्रोमोसोम 2n इक्वल टू 16 क्रोमोसोम होते हैं, एंड ओरिजिन प्लेस एशिया होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आती है इंट्रोडक्शन की। जो लहसुन का इंट्रोडक्शन होता है, यह एक शरद ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है, जो रबी ऋतु में उगाई जाती है। इसमें इलेशी नाम की गंध पाई जाती है। लहसुन के अंदर जो है इलेशी नाम की गंध पाई जाती है, जो एलाइल प्रोपाइलाजाइड सल्फाइड के कारण होता है। लहसुन में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लहसुन में गंध किसके द्वारा होता है। लहसुन में गंध एलाइल प्रोपाइलाजाइड एलाइल प्रोपाइलाजाइड सल्फाइड के कारण लहसुन में गंध पाई जाती है, जो इलेशन तत्व के द्वारा होता है। इलेशन के कारण होता है। इलेशन के कारण करते हैं। एलाइल प्रोपाइलाजाइड सल्फाइड के द्वारा गंध पाई जाती है, जो इलेशन तत्व के कारण होती है। आगे बात करें तो जो लहसुन है वो दमा तथा फेफड़ा
जो संबंधित जो मरीज होते हैं, लहसुन का प्रयोग सब्जियों में बहुत अधिक किया जाता है। बिना लहसुन का प्रयोग सब्जी में अच्छा स्वाद नहीं मिल पाता है। इसमें जो इसका जो बेनिफिट, इसका लाभ होता है लहसुन को खाने से, वो जितने भी दमा के पेशेंट होते हैं, दमा और फेफड़े के जो मरीज होते हैं, उनके लिए लहसुन बहुत अच्छा माना जाता है। उनको प्रायः लहसुन का सेवन करना चाहिए। उनके उपचार के लिए बहुत कम्फर्टेबल मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तथा सब्जी को स्वादिष्ट और अति स्वादिष्ट बनाने के लिए भी लहसुन का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इम्प्रूव्ड वैरायटियां, लहसुन के लिए कौन कौन सी उन्नति प्रजातियां हैं, जैसे कि नंबर एक जीवन है, नंबर दो जी 300 एस, नंबर तीन सोलन, नंबर तीन जीवन जी 300 एस सोलन, नंबर चार फौहारी, नंबर चार रजाली मदुराई और लंदन प्ले, पांची है लंदन प्ले। ये सब जो है जीवन जी 323, सोलन, फौहारी, रजाली, मदुराई, लंदन प्ले, ये सब जो है लहसुन की उन्नति प्रजातियां हैं जिनकी अत्यधिक मात्रा में बुआई की जाती है। उसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आती है। इम्प्रूव्ड वैरायटी के बाद नेक्स्ट हेडिंग है सोयल। कि लहसुन के लिए किस मृदा की आवश्यकता होती है? सोयल के लिए सैंडी लोम सोयल लोम सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका जो पीएच मान है, जिसका पीएच मान 6.0 से 7.0 तक अच्छा माना जाता है। लहसुन की बुआई के लिए सबसे अच्छी मृदा जो है सिंडी लोम सॉइल तथा लोम सॉइल, जिसका पीएच मान 6.0 से 7.0 तक अच्छा माना जाता है। लहसुन की के लिए मृदा में उचित जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। अत्यधिक जल नहीं भरना चाहिए खेत में, अन्यथा लहसुन का प्रभाव पड़ेगा और लहसुन के बहुत सारे पौधे जो हैं अधिक जल के कारण सूख जाएंगे। अतः उचित जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए। आगे बात करते हैं सॉइल के बाद नेक्स्ट जो हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग आती है सीड्रेट सॉइल के बाद आती है क्लाइमेट, सीड्रेट बाद में पहले क्लाइमेट आती है। क्लाइमेट लहसुन के लिए शरद ऋतु की, लहसुन जो है एक शरद ऋतु की फसल है, जिसे प्रायः सितंबर तथा अक्टूबर में बहुत अधिक उगाया जाता है। लहसुन एक शरद ऋतु की फसल है जो रबी ऋतु में बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है। शरद ऋतु की फसल है शरद ऋतु की फसल है जो रवि ऋतु में
उगाई जाती है, उगाई जाती है। इसके लिए जो क्लाइमेट का टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा टेम्परेचर जो है लहसुन की उगाने के लिए क्लाइमेट का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये सबसे बेटर माना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है सीड रेट की बात आती है। लहसुन की बीज दर कितनी होती है प्रति हेक्टेयर बुवाई की जाती है, तो लहसुन की जो बीज दर होती है वो 4 से 5 क्विंटल पर हेक्टेयर तक अर्थात कुत्तियों की आवश्यकता होती है। कुत्तियों की बुआई की जाती है, कुत्तियों की बुआई की जाती है 4 से 5 क्विंटल पर हेक्टेयर कुत्तियों की बुआई की जाती है, लहसुन के लिए अच्छी मानी जाती है। इसी रेट हो गई। लहसुन की स्पेसिंग क्या होती है, स्पेसिंग की बात करते हैं। लहसुन की जो ट्रांसप्लांटिंग है कुत्तियों को लगाया जाता है मतलब कितनी डिस्टेंस पे लगाया जाता है, तो एल ग्रे एल जो होता है एंड पी ग्रे पी अर्थात पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर, इतने डिस्टेंस पर पौधे की जो कुत्तियां हैं उनको ट्रांसप्लांट नहीं बुआई करते हैं। स्पेसिंग के बाद बीज की सीड ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। तो अगली बात करते हैं बीजों बचा के, बीज में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं बुआई के समय, तो बीज को पहले उपचारित करना चाहिए फिर बुआई करना चाहिए। ट्रीटमेंट करने में क्या करेंगे, 2 ग्राम थायराम प्रति केजी बीज की 10 से उपचारित करना चाहिए करना चाहिए। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, 2 ग्राम थायराम 10 किलो बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए, उसके पश्चात लहसुन की बुआई करना चाहिए। फिर सीड ट्रीटमेंट हो गया, सीड ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट सेडिंग आती है मैनुअल फर्टिलाइजर सोइंग टाइम बुआई कब करते हैं। लहसुन करने के लिए जो नंबर एक ईयरली सोइंग होता है जो होता है 15 सितंबर to 15 अक्टूबर में सोइंग कर देते हैं। नंबर 2 हिल स्टेशन पर, हिल स्टेशन पर जो सोइंग करते हैं वो फरवरी मार्च में करते हैं, फरवरी तो मार्च। हिल स्टेशन पर जो सोइंग करते हैं अर्थात वह पहाड़ियाँ मनाली जितनी जगह लगाते हैं पहाड़ों पर, वो 15 फरवरी से मार्च में केवल सोइंग कर देते हैं पहाड़ों पर, और मैदानी क्षेत्रों में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बुआई कर देते हैं। सन टाइम के बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है मैनुअल फर्टिलाइजर की आती है।
फर्टिलाइजर कि गेहूँ की बुआई के लिए सॉरी लहसुन की बुआई के लिए कितना खाद की आवश्यकता होती है और कितने नाइट्रोजन एनपीके की आवश्यकता होती है। तो इसमें एफ वाई एम डालते हैं, एफ वाई एम गोबर की खाद है वो 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर डालते हैं तथा एनपीके नाइट्रोजन 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फास्फोरस 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर एंड पोटास 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है। गोबर की खाद 200 से 150 हेक्टेयर डालते हैं, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटास 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर डालने की आवश्यकता होती है। ये मैनुअल फर्टिलाइजर हो गया। मैनुअल फर्टिलाइजर के बाद नेक्स्ट सेटिंग जो है इरिगेशन। लहसुन में प्रथम सिंचाई होती है, करते रहना चाहिए, करते रहना दस दिन के अंतर पर करते रहना चाहिए। इरिगेशन हो गया। इरिगेशन के बाद नेक्स्ट फीडिंग आती है वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल कि लहसुन की फसल में जो बहुत सारे खरपतवार लग जाते हैं उनका कंट्रोल कैसे करेंगे। सबसे पहले खुरपी की सहायता से, खुरपी की सहायता से, खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करते रहेंगे। तथा नंबर दो, अगर मेडिसिन के द्वारा खरपतवार को नियंत्रित करना है तो बेसालिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को 1000 लीटर पानी में 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को 1000 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना चाहिए। कि वेट कंट्रोल हो गया। वेट कंट्रोल के बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है उपज।
लहसुन की जो औसत उपज होती है वो 80 से 100 किलोग्राम, जिससे 100 क्विंटल पर हेक्टेयर लहसुन की औसत उपज होती है। 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर लहसुन की औसत उपज मानी जाती है। लहसुन में बहुत सारे रोग लगते हैं, जैसे कि प्याज की फसल में बहुत सारे रोग लगते हैं, तो प्याज और लहसुन दोनों ही एक ही कुल की फसल है, इसलिए इनके रोग और कीट भी एक ही कुल के होते हैं। जो लहसुन की फसल में रोग लगते हैं वही प्याज की फसल में भी रोग अटैक करते हैं। सबसे पहला रोग है डिसीज कंट्रोल या प्लांट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में सबसे पहला जो रोग होता है वो डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू इसको हम मृद रोगी आशिता के नाम से जानते हैं। डाउनी मिल्ड्यू अर्थात मृद रोगी आशिता के नाम से लोग जानते हैं। इस यह रोग एक फफूंद के द्वारा लगने वाला रोग है, यह रोग एक फफूंद के द्वारा लगने वाला रोग है। इस रोग में पौधे की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे गोल या नियमित आकार के धब्बे पड़ जाते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ करके पूरी पत्ती को ढक लेते हैं, जिससे पूरी पत्ती सूख जाती है, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाती है और सूख कर गिर जाती है, जिससे पौधा धीरे धीरे मुरझा करके सूख जाता है। यदि इसका कंट्रोल नहीं किया गया तो पौधे के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसके कंट्रोल करने के लिए इंडोफिल M45, इंडोफिल M45 0.2% को 1000 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना चाहिए तो डाउनी मिल्ड्यू नाम के रोग से कंट्रोल हो जाएगा। ये आपका रोग समाप्त हुआ, आपका रोग। इसके पश्चात जो नेक्स्ट रोग है, दूसरा रोग लगता है पर्पल ग्रास, पर्पल ग्लास, बैंगनी धब्बा रोग के नाम से इसको जानते हैं। बैंगनी धब्बा रोग, पर्पल ग्लास अर्थात बैंगनी धब्बा रोग के नाम से इसको जानते हैं। यह रोग भी एक फफूंद के द्वारा लगने वाला रोग है। इस रोग में पौधे की पत्तियों पर नीले बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे पूरी पत्ती पर बढ़ते रहते हैं और बाद में काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे पत्ती पूरी जली हुई प्रतीत होती है और जल करके धीरे धीरे वो पूरा पौधा सूख जाता है। जिसका कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरी फसल इससे बहुत प्रभावित हो जाती है। ऐसी लगती है कि पूरी फसल सूख गई है या जल के पत्तियां राख हो गई हैं, ऐसी प्रतीत होती है। यह भी एक भयंकर रोग है। इसका कंट्रोल करने के लिए डाइथेनियम पैंतालीस 0.2% को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
रोग आपका समाप्त हुआ। और फिर जो उसके बाद जो नेक्स्ट रोग है, नेक्स्ट बात आती है इंसेक्ट कंट्रोल की। इंसेक्ट कंट्रोल सबसे पहला रोग लगता है अर्थात भुनगा कीट, भुनगा कीट। और दूसरा लगता है स्टाफ लाइन, जिसको हम आरा मक्खी के नाम से जानते हैं। आरा मक्खी भुनगा कीट क्या होता है? यह कीट जो होता है 1 से 2 mm लंबा छोटा सा कीट होता, मुर्दे वाला कीट होता है। यह पौधे की पत्तियों का रस चूस लेता है, जिससे पौधे की पत्ती हरिमाहीन हो जाती है, पीली पड़ के सूख जाती है। इसके नियंत्रण करने के लिए इंडोसल्फान 35 cc, 1.5 लीटर दवा को 1.5 लीटर दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे कर देंगे, रोग पूरा नष्ट हो जाएगा। दूसरा होता है आरा मक्खी, जिसको हम साफलाई कहते हैं। इस कीट के मैंने यह जो मक्खी होती है, उड़ने वाली होती है, यह मक्खी पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे मैगेट को जन्म देती है। और ये मैगेट पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर बैठ कर के पत्तियों को काट करके खा जाते हैं, उसके हरे भाग को, जिससे पत्ती जो है वो डंठल मार्ग ही दिखाई पड़ती है। इसके कंट्रोल करने के लिए मैलाफियान 50 cc, 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देंगे, जिससे आरा मक्खी से कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रकार जितने भी लहसुन में रोग और कीट थे सभी बताए गए, सारे स्टेप आपको समझाए गए, पूरी ग्राफ में आपको बताए गए। नेक्स्ट ग्राफ जो है अगले वीडियो में आपको पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स।